हेलो गाइस, क्लास 12th आरबीएससी के लिए हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है कंपनी लेखे, जिसके अंतर्गत हमने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर किया था कि अंशों के निर्गमन के समय जनरल प्रविष्टियां क्या की जाती है, और इससे संबंधित एक प्रश्न भी हमने हल किया था। आज हमारा इसके अंतर्गत टॉपिक रहेगा, एक नया टॉपिक हम लेने जा रहे हैं कि जब कोई अंशधारी मांग राशि देय होने के बाद भी अगर भुगतान नहीं करता है तो उसे हम क्या कहेंगे और उसके लिए क्या जनरल प्रविष्टि करेंगे, या फिर मांग राशि देय होने से पहले अगर किसी अंशधारी ने भुगतान कर दिया है तो उसे क्या कहेंगे, उससे संबंधित जनरल प्रविष्टि क्या करेंगे। तो देखिए, जब कोई अंशधारी मांग राशि देय होने के बाद भी अगर भुगतान नहीं करता है तो उसे कहा जाता है बकाया मांग। मांग राशि देय हो चुकी है और देय तिथि पर भुगतान नहीं किया गया है तो इसे हम कहेंगे बकाया मांग। बकाया मांग को इंग्लिश में कहा जाता है कॉल्स इन एरियर कहा जाएगा, कॉल्स इन एरियर। इसका अर्थ यह कि मांग राशि देय हो चुकी है लेकिन देय तिथि पर, जिस तिथि को यह भुगतान करनी थी उस देय तिथि पर किसी एक अंशधारी ने इस राशि का भुगतान नहीं किया है तो बकाया मांग का अर्थ क्या हो गया, मांग राशि देय होने पर भी अंशधारी द्वारा भुगतान नहीं की गई है, तो ऐसी राशि जिसका भुगतान अंशधारी नहीं किया है देय होने पर भी, इसे बकाया मांग कहेंगे। तो देखिए, हमने मांग राशि देगी तो देय होने पर इसका भुगतान नहीं किया, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या होगी, संपत्ति होगी। इसके लिए प्रविष्टि क्या करेंगे, इतना ध्यान रखना, ये हमारे लिए संपत्ति के बराबर होगी क्योंकि हमें भविष्य में इस मांग राशि का पैसा मिलेगा बकाया मांग का। तो ये जो बकाया मांग है, ये बकाया मांग के लिए हम क्या प्रविष्टि करेंगे वो देखिए। इसके लिए इस हेतु सामान्यतः कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है, सामान्यतः हम क्या करते हैं, जो देय की गई राशि है उसकी प्रविष्टि करेंगे मांग को देय करने की। फिर मांग प्राप्त हुई है तो उसके लिए आप वास्तविक मांग राशि प्राप्त होने की प्रविष्टि करेंगे। तो दोनों प्रविष्टियों को देखने से आपको पता लग जाएगा कि आपको कितने रुपए बकाया चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यू मान के चलिए कि आपने अलॉटमेंट दे दिया तो आप एंट्री क्या करेंगे, सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री करेंगे आप। और मान लो ये आपने अलॉटमेंट दे किया है 1000 अंशों पर 2 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट ड्यू किया तो कितने रुपए हो गए, सर 2000 रुपए हमने यहाँ पे दे दिए। सभी अंशधारियों ने आपको पैसे दे दिए लेकिन इस 1000 में से एक अंशधारी था जिसके पास 150 शेयर थे, उसने पैसे नहीं दिए, बाकी सबने दे दिए। तो आपको जब इसको प्राप्त करने की प्रविष्टि करनी है तो प्राप्त करने की प्रविष्टि क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंट्री करेंगे इसको प्राप्त करने की। तो जब ये आप प्रविष्टि करेंगे तो कितने रुपए आपको वास्तव में मिलेंगे, सर हमें 1000 में से 150 पर 2 रुपए मिल ही नहीं रहे, तो 1000 में से 150 के रुपए नहीं मिले तो कितने अंशों के रुपए मिले, सर 850 के रुपए मिले, कितने के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से मिले तो 1700 रुपए हमें प्राप्त हुए। तो दोनों प्रविष्टियों को देखने से हमें पता चल रहा है कि हमने अलॉटमेंट दे कितने से किया था 2000 से, जबकि अलॉटमेंट प्राप्त कितना हो रहा है 1700 रुपए से, तो 300 रुपए बकाया चल रहे हैं, दोनों प्रविष्टियों को देखने से पता चल रहा है। तो देखिए, 300 किसके बकाए चल रहे हैं, 150 जिन पे रुपए नहीं मिले, 150 पर 2 रुपए के हिसाब से 300 रुपए बकाए चल रहे हैं। तो आपको वैसे तो सामान्यतः इसकी कोई प्रविष्टि करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपसे प्रश्न में कह दिया जाए कि इसकी प्रविष्टि करनी है तो क्या करेंगे, देखिए जो बकाया मांग 300 रुपए जो आपके बकाया रह गई, या अलॉटमेंट का कौन सा शेष आ रहा है, सर ये डेबिट शेष आ रहा है, तो ये जो बकाया रह गई ये आपको भविष्य में मिलेंगे। अगर ये भविष्य में नहीं मिलेंगे तो आप 500 को क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। तो ये डेबिट बैलेंस, इसका मतलब ये आपके लिए क्या हो गई, सर ये हमारे लिए एसेट्स हो गई। तो अगर आपको बकाया मांग की राशि के लिए प्रविष्टि करनी हो तो बकाया मांग खाते को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, क्योंकि आपकी संपत्ति के बराबर होगा ये। तो आप लिखेंगे यहां पे सामान्यतः हम बकाया मांग के लिए कोई भी प्रविष्टि
नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों प्रविष्टियों को देखने से हमें पता चल जाता है कि कोई राशि बकाया है, कितने रुपए बकाया चल रही है, वो दोनों राशियों को देखने से पता चल जाता है। सामान्यतः बकाया मांग हेतु पृथक से प्रविष्टि नहीं की जाती सामान्यतः। प्रविष्टि कब की जाती है सर? प्रविष्टि तब की जाती है जब अपने को प्रश्न में कह दिया हो स्पष्ट रूप से कि आपको बकाया मांग को भी दर्ज करना है, तो उस समय में प्रविष्टि करनी है। अगर आपको कुछ नहीं कहा है तो बकाया मांग के लिए प्रविष्टि नहीं करनी, आप मांग को दे करने की प्रविष्टि करेंगे, प्राप्त करने की प्रविष्टि करेंगे, अंतर की राशि पता चल जाएगी आपको कि कितने रुपए बकाया चल रहे हैं, जैसे कि अपन ने अभी इस उदाहरण से स्पष्ट किया था आपको। लेकिन यदि प्रश्न में निर्देश हो तो बकाया मांग की प्रविष्टि क्या होगी? मांग की प्रविष्टि क्या प्रविष्टि होगी? देखिए, देखते हैं कि आपने जब मांग दे की, मान लो आपने फर्स्ट कॉल दे कर दी, तो आपने एंट्री क्या की सर? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये प्रविष्टि की आपने। अब यहां पे आपने कितने अंशों पर प्रविष्टि की? 2000 अंशों पर हमने मान लो 3 रुपए के हिसाब से मांग राशि दे की, 6000 रुपए। इसके बाद सभी अंशधारियों ने आपको पैसा समय पर भुगतान कर दिया, लेकिन एक अंशधारी जिसके पास 200 अंश है, इन पर ये बकाया चल रही है। तो देखो, आप सामान्यतः क्या कर सकते थे कि भी आपने फर्स्ट कॉल के धनराशि प्राप्त करनी है, तो प्राप्त करने वाला कौन होगा? बैंक होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। किस चीज के लिए पैसा मिल रहा है? फर्स्ट कॉल के लिए, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल एंट्री कर देते आप, फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने रुपए से होती सर? 200 अंशों पे बकाया है, यानी कि 1800 अंशों के रुपए मिल रहे हैं। किसकी रेट से? 3 रुपए की रेट से 5400 रुपए मिल रहे हैं। बस ये दो प्रविष्टियां कर दो, बकाया मांग का अपने पता चल जाएगा। यहाँ 6000 डेबिट है, यहाँ पे फर्स्ट कॉल, और यहाँ क्रेडिट हो रही है 5400 से। दोनों से पता चल रहा है कि कितने रुपए बकाया चल रहे हैं, 600 रुपए बकाया चल रहे हैं। यहाँ पे अभी तक मिले नहीं फर्स्ट कॉल के 600 रुपए। लेकिन अगर प्रश्न में आपको कह दिया कि बकाया मांग खाता आपको खोलना है, तो आप क्या करेंगे? तो उस परिस्थिति में देखिए, ये जो मांग आपके पास बकाया रह रही है, यहाँ पे 200 अंशों के जो बकाया रुपए चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं? 3 रुपए की रेट से 200 अंशों के 600 रुपए बकाया चल रहे हैं। और बकाया चलने का मतलब क्या? ये धनराशि आपको अंशधारियों से लेनी थी जो मिली नहीं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? उसे संपत्ति मानते हुए क्या करना? डेबिट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो पैसा मिलेगा 1800 अंशों का, वो तो बैंक अकाउंट डीआर करेंगे, और जो पैसा बकाया चल रहा है उसके लिए नया खाता खोलेंगे, कॉलसिन एरियर अकाउंट। और जो आपके लिए एक संपत्ति का काम करेगा, कॉलसिन एरियर अकाउंट खोलेंगे आप, और इसको डेबिट करेंगे। कितने रुपए? 200 अंशों पर 3 के हिसाब से 600 रुपए हो जाते हैं। और ये जो फर्स्ट कॉल अकाउंट है, ये कंप्लीटली बंद हो जाएगा, क्रेडिट से, डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यहाँ पे कितने रुपए से बंद हो जाएगा सर? 6000 रुपए से ये खाता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप कॉलिन एरियर अकाउंट खोल सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे प्रश्न में स्पष्ट निर्देश हो तो? एंट्री क्या होगी? एंट्री प्राप्त होने की तो होगी बैंक अकाउंट डीआर, जो राशि प्राप्त हो गई उसके लिए करेंगे बैंक अकाउंट डीआर। और फिर जो राशि प्राप्त नहीं हुई है, जो बकाया है, बकाया राशि के लिए आप लिखेंगे कॉलसिन एरियर अकाउंट डीआर, जैसा कि आपने यहां डेबिट किया इसको संपत्ति मानते हुए। तो बकाया राशि के लिए क्या लिखेंगे सर? बकाया राशि के लिए लिखेंगे हम कॉलसिन एरियर अकाउंट डीआर। और इसके बाद आप क्या करेंगे सर? जो भी आपको राशि प्राप्त करनी थी, या तो ये अलॉटमेंट पे बकाया हो सकती है, या फिर ये फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल हो सकती है, तो जिस पर भी बकाया रही है, जिस राशि को आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान में, उस राशि को आप क्रेडिट कर देंगे।
जैसे यहाँ फर्स्ट कॉल के ऊपर बकाया रही थी तो टू शेयर फर्स्ट कॉल हो गया, अगर अलॉटमेंट पर बकाया रहती तो यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाता। तो इस शेयर अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल की जितनी राशि प्राप्त होगी वो तो बैंक अकाउंट डीआर में लिख देंगे, और जो राशि बकाया चल रही है वो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट कर देंगे। और यहाँ पे अलॉटमेंट या कॉल खाते में जितने भी आपने ड्यू किए हैं दे की जो राशि, उस राशि से आप इसको क्रेडिट करके अलॉटमेंट या कॉल खाता क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये तो बकाया के संबंध में अगर बोलता है तो बकाया के लिए आपको ये प्रविष्टि कर देनी है। अगर बकाया मांग खाते को खोलने के लिए नहीं बोला जाता तो आप ऐसा कर सकते हैं, बस इतनी प्रविष्टि कर सकते हैं लोग 5400 रुपए से, यहाँ पे फर्स्ट कॉल अकाउंट को 5400 रुपए लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। लेकिन फिर भी आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप इस खाते को खोलना चाहते हैं या नहीं खोलना चाहते हैं। तो आई थिंक इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगर प्रश्न में कोई निर्देश हो तो बकाया मांग खाता आपने खोला, बकाया जब मांग रही थी उस समय तो आपने प्रविष्टि कर दी। अब प्रश्न ये उठता है कि सर क्या भविष्य में ये बकाया मांग हमें पुनः प्राप्त हो सकती है? अगर ये पुनः प्राप्त नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये प्राप्त होती है तो आप क्या प्रविष्टि करेंगे बकाया मांग की पुनः प्राप्ति होने पर? तो लिखिए यहां पे आप मेरे साथ, भविष्य में बकाया मांग प्राप्त होने पर क्या प्रविष्टि करेंगे? भविष्य में बकाया मांग राशि प्राप्त होने पर, जब भविष्य में बकाया मांग राशि प्राप्त होगी तो इस समय आपको सबसे पहला तो एक नियम याद रखना है, कंपनी अधिनियम 2013 जो आपको आपने पढ़ा है कि भी कंपनी के संबंध में अधिनियम लगता है 2013, तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की सारणी एफ के अनुसार कंपनी को एक अधिकार होता है। क्या अधिकार? सारणी एफ के अनुसार कंपनी को एक अधिकार होता है। किस चीज का अधिकार होता है? कि जब भी बकाया मांग की पुनः वसूली होगी तो उस समय कंपनी बकाया मांग की मूल राशि के साथ ब्याज पाने की भी अधिकारी होती है। तो सारणी एफ के अनुसार कंपनी बकाया मांग पर 10% वार्षिक दर से ब्याज ले सकती है। किससे ले सकती है? अंशधारियों से। कौन से अंशधारियों से? जिन्होंने राशि बकाया रखी थी और अब भुगतान कर रहे हैं। अगर भुगतान नहीं करेंगे तो उनके अंशों को जब्त कर लिया जाएगा। तो ये नियम आपको यहाँ पे बकाया मांग की पुनः वसूली के समय याद रखना है। और जब बकाया मांग की पुनः वसूली होगी तो आप प्रविष्टि क्या करेंगे? सर बकाया मांग की पुनः वसूली तो बैंक खाता तो डेबिट होगा, क्योंकि जो भी धनराशि आनी है वो बैंक में आएगी प्राप्त राशि से। अब बकाया मांग की पुनः वसूली हो रही तो आप जो बकाया जब मांग रही थी, कॉल इन एरियर जब रहा था तो आपने कॉल इन एरियर अकाउंट को डेबिट किया होगा, तो आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट करो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कॉल इन एरियर अकाउंट तो ओपन करते ही नहीं है। सर हमने तो कॉल इन एरियर अकाउंट खोला ही नहीं था, हमने तो बिना कॉल इन एरियर अकाउंट खोले ही दो एंट्री बना दी थी, एक वास्तविक प्राप्त राशि से और एक देय राशि से। तो जब आपने कॉल इन एरियर खाता खोला ही नहीं है तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, इसके और में मैं आपको बता देता हूं। यहां आप लिख सकते हैं जिस मांग पर आपकी यहाँ पे राशि बकाया थी वो मांग वसूल हो रही है। जैसे अलॉटमेंट बकाया थी तो अलॉटमेंट की देय तिथि पर मिली नहीं, अब अगर मिल रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कर देंगे। अगर ये राशि बकाया फर्स्ट कॉल पे थी तो यहाँ पे टू शेयर फर्स्ट कॉल कर देंगे, तो जहां भी बाकी थी वहां कर देंगे। अगर कॉल इन एरियर खाता खोला हुआ था तो कॉल इन एरियर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। आई थिंक इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन अब इस नियम की बात करते हैं। इस नियम के अनुसार कंपनी ब्याज भी वसूल कर सकती है बकाया मांग पर। तो जब कंपनी बकाया मांग पर ब्याज वसूल करेगी तो कंपनी के लिए ब्याज क्या होगी? सर आय होगी।
और आय को कंपनी क्या करती है, क्रेडिट करती है, तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, बकाया मांग का ब्याज यहां लिख देंगे। किस दर से लिखना है सर, 10% वार्षिक दर से लिखना है। अब एक प्रश्न और रह गया आपके सामने, क्या प्रश्न रह गया कि सर ये जो बकाया मांग पर हमने ब्याज लिया है, ये ब्याज कंपनी के लिए आय हो गई और इसे खाते बनाते समय कहां दर्ज किया जाएगा? तो ये कंपनी की आय है तो इसे लाभ हानि विवरण में दिखाया जाएगा, यानी कि इसको आप लिखित करेंगे तो ये क्रेडिट से डेबिट हो जाएगी, यानी कि ब्याज को लाभ हानि विवरण में ले जाया जाएगा, लाभ हानि विवरण में हस्तांतरित करेंगे। हस्तांतरित करने पर जब हम लाभ को, लाभ हानि विवरण को हस्तांतरित करते हैं, ब्याज को लाभ हानि विवरण में हस्तांतरित करें, तो ब्याज अभी क्या है, क्रेडिट है, हस्तांतरण होगा तो डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन अकाउंट डेबिट। थोड़ा स्पेस देंगे और थोड़ा स्पेस देके फिर लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, या लिखेंगे सर टू क्रेडिट करेंगे, किसको, कहां स्थानांतरित कर रहे हैं, लाभ कर रहे हैं, लाभ हानि विवरण में, तो लाभ हानि विवरण को क्रेडिट करेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लगाना क्योंकि कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती है, स्टेटमेंट बनाती है, तो यहां स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखनी। इस प्रकार से आपको ब्याज से संबंधित प्रविष्टि करनी है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्या बताया मैंने, बकाया मांग का अर्थ होता है मांग राशि देय होने के उपरांत भी अगर देय तिथि तक प्राप्त नहीं होती तो बकाया मांग है, और बकाया मांग के लिए सामान्य तो प्रत्यक्ष से कोई प्रविष्टि नहीं करते, यदि प्रश्न में निर्देश है तो बकाया मांग खाते को डेबिट कर दिया जाता है, बाकी प्रविष्टि सेम है। और भविष्य में जब ये बकाया मांग राशि प्राप्त होगी तो उस समय आपको सिर्फ छोटी सी एक ही बात ध्यान रखनी है कि बकाया मांग पर सारणी एफ के अनुसार 10% वार्षिक दर से ब्याज वसूली का अधिकार होता है कंपनी को, तो हो सकता है कंपनी 10% वार्षिक दर से ब्याज वसूल करे। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते टाइम आपको मैं विशेष बता देता हूं कि जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर प्रश्न में डेट दी होगी बकाया मांग की पुनः वसूली होगी तो उस समय आप ब्याज के लिए प्रविष्टि कर सकते हैं, अगर डेट नहीं है या फिर बकाया मांग की पुनः वसूली नहीं हो रही है तो आप ब्याज को वसूल नहीं कर सकते, यानी कि दोनों काम होना चाहिए, क्वेश्चन में डेट बाई डेट भी क्वेश्चन होना चाहिए, साथ में बकाया मांग की पुनः वसूली भी होनी चाहिए, तभी आप ब्याज लगा सकते हैं, अदरवाइज आप ब्याज नहीं लगा सकते, क्योंकि बकाया मांग की पुनः वसूली नहीं दी हुई है, तो बकाया मांग जब वसूली नहीं हो रही तो उस पर ब्याज कहां से मिलेगा। और अगर आपको प्रश्न में तारीख नहीं दी हुई, डेट नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब वार्षिक दर से ब्याज लगाना है, तो कितने दिन का है, कितने महीनों का ब्याज लगाएंगे वो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए प्रश्न में ब्याज का ट्रीटमेंट आप तभी करेंगे जब क्या होगा प्रश्न में तारीख दी होगी, डेट दी होगी हर पॉइंट की, आपके आवेदन की, बंटन की, प्रथम मांग की, द्वितीय मांग की, इनकी डेट दी होगी, और साथ ही आपकी बकाया मांग जो रही है वो किसी न किसी अगली मांग के साथ वसूल हो रही होगी, उस समय आप ब्याज लगाएंगे, अदरवाइज ब्याज नहीं लगाएंगे। तो ये था बकाया मांग। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक इसमें डिस्कस करने वाले हैं, अग्रिम मांग। अग्रिम मांग इंग्लिश में कहेंगे कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस यानी कि अग्रिम मांग क्या चीज होती है, देखिए कुछ अंशधारी ऐसे होते हैं जो मांग राशि देय होने से पहले ही भुगतान कर देते हैं। सपोज करो कि आपकी बंटन दे हुई 1 अप्रैल को, प्रथम मांग जो फर्स्ट कॉल है उसकी डेट है 1 मई और सेकंड कॉल की जो डेट है वो है 1 जून, ये डेट दी हुई है अलग अलग।
अब किसी अंशधारी से आपने कहा कि बंटन पर 2 रुपए या 3 रुपए या 4 रुपए लेने, किसी अंशधारी ने एक अंश खरीदा था और उसने बंटन राशि के अभी आपको 1 अप्रैल को 2 रुपए दिए और साथ में ये बोल रहा है कि भाई ये 3 रुपए फर्स्ट कॉल के भी रख लो, मेरे पास अभी तो है, तो ये 3 रुपए जो फर्स्ट कॉल वाले अब आप इसी डेट को रख लो, तो फर्स्ट कॉल मांगी कब जाएगी कंपनी, कब मांगेगी फर्स्ट कॉल को, सॉरी फर्स्ट कॉल मांगेगी 1 मई को, और वंशधारी फर्स्ट कॉल का भुगतान बंटन के साथ ही कर रहा है, यानी कि 5 रुपए उस समय दे रहा है ये कि भी आप 2 रुपए फर्स्ट कॉल बंटन का रख लो और 3 रुपए फर्स्ट कॉल का आप मई में मांगोगे तो उस समय मेरे पास हो या ना हो आप अभी ले रख लो, यानी कि 5 रुपए उसने बंटन के साथ दिए तो 2 रुपए उसमें बंटन के हुए और 3 रुपए जो उसने एडवांस में किसके लिए दे दिए, फर्स्ट कॉल के लिए एडवांस में दे दिए, यानी कि फर्स्ट कॉल ड्यू कब होगी 1 मई को और उसने भुगतान कब कर दिया 1 अप्रैल को, यानी मांग राशि दे होने से पहले ही अगर किसी अंशधारी ने इसका भुगतान कर दिया है तो उसे कहते हैं एडवांस कॉल, कॉल इन एडवांस या अग्रिम मांग। अच्छा, जब इसने यहाँ पे भुगतान कर दिया और आप 1 मई को जब दूसरे लोगों से इसके फर्स्ट कॉल के पैसे मांगेंगे तो क्या इससे पैसा ले सकते हैं? मांग तो आप इससे भी करेंगे सबके साथ, लेकिन इसके साथ मांग करने के बाद आपको पता लगेगा कि इसने तो पहले ही एडवांस में पैसे दिए थे तो इससे आप दोबारा वसूली कर नहीं सकते हैं, तो इसका एडवांस खाते से ही फर्स्ट कॉल में एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि इसका अर्थ क्या है। कॉल इन एडवांस का मतलब मांग राशि दे होने से पूर्व है, किसी अंशधारी ने भुगतान कर दी हो तो उसे अग्रिम मांग कहा जाता है, अग्रिम यानी एडवांस कॉल। उसे क्या कहा जाता है सर? अग्रिम मांग कहा जाता है। किसे? किसी अंशधारी ने मांग राशि दे होने से पूर्व ही भुगतान कर दी, दे होगी बाद में, उसने पहले ही दे दी, तो ये क्या होगी? अग्रिम मांग। और जब आपको एडवांस में पैसा मिलेगा आगे की मांग के लिए, तो पैसा मिलेगा तो आप एंट्री क्या करेंगे सर? बैंक अकाउंट तो डेबिट ही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि पैसा जब मिलेगा तो वो तो बैंक में डिपॉजिट होगा आगे। और क्रेडिट किसे करेंगे सर? क्रेडिट हम किसी मांग को तो कर नहीं सकते हैं, ना फर्स्ट कॉल कर सकते हैं, ना सेकंड कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो अभी तक हमने दे नहीं किया, ड्यू नहीं किया, तो ड्यू करने की एंट्री नहीं बनाई। तो ये पैसा आपको एडवांस में मिल रहा है, इसलिए नया खाता खोलेंगे, कॉल इन एडवांस अकाउंट। अब ये कॉल इन एडवांस को क्रेडिट करने का कारण क्या? देखिए आपके लिए क्या हो गया, एक दायित्व हो गया। कॉल इन एडवांस क्यों हो गया? क्योंकि आपको वो राशि मिल चुकी है जो भविष्य में मिलनी थी, और इसका मतलब एडवांस में मिल चुकी, तो आपको मांग राशि का एडजस्टमेंट कैपिटल में करना पड़ेगा, इसलिए आपके लिए एक तरह से दायित्व हो गया ये, क्योंकि अब आप उनको दोबारा वसूली कर नहीं सकते हैं, तो आपके लिए ये एडवांस जो है आपको एडजस्टेबल अमाउंट हो गया, इसका एडजस्टमेंट आपको फ्यूचर में करना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस, वास्तव में जितनी धनराशि आपकी एडवांस में मिलेगी उस पर अपन प्रविष्टि करेंगे, उसके लिए प्रविष्टि होगी, और ये तो होगी प्रविष्टि मांग राशि प्राप्त होने पर। अब एक प्रविष्टि होगी, दूसरी प्रविष्टि की बात करते हैं। मान लो आज आपको ये मांग राशि प्राप्त हुई थी एडवांस में, अब भविष्य में 3 महीने 4 महीने बाद, आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने जब बाद जब भी ये मांग राशि दे होगी, तो दे होने की आप प्रविष्टि करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल या शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर वसूली की जब एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल एंट्री तो करेंगे ही करेंगे। अब जिनसे वसूली होगी उनकी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल एंट्री करेंगे, लेकिन यहाँ पे इस बंदे ने जब आपको एडवांस में पैसा दे दिया दोबारा थोड़ी देगा, तो इस कॉल इन एडवांस से उसका समायोजन करेंगे। तो मांग राशि दे होने पर, मांग राशि जब दे हो जाएगी, दे होने पर अग्रिम का क्या किया जाएगा? अग्रिम मांग का समायोजन किया जाएगा। अग्रिम मांग का क्या किया जाएगा? समायोजन। तो मांग राशि दे होने पर अग्रिम मांग का क्या होगा? समायोजन होगा। और समायोजन के समय आप क्या करेंगे? जैसे मान लो फर्स्ट कॉल के लिए एडवांस मिला था, इसको फर्स्ट कॉल खाते में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा,
तो कॉल इन एडवांस को क्रेडिट से आप डेबिट कर दोगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कर दोगे सब। और इसको ट्रांसफर कहां करना है सर, इसे हमें ट्रांसफर करना है फर्स्ट कॉल के लिए, अगर मिला था तो फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर कर दूंगा, अगर ये सेकंड कॉल के लिए मिला था तो इसे सेकंड कॉल में ट्रांसफर कर देंगे टू सेकंड कॉल अकाउंट। तो ये प्रविष्टि आप करेंगे बकाया मांग का समायोजन करने पर, मांग राशि देय होने पर अग्रिम मांग का समायोजन हेतु, तो समायोजन हेतु आप ये प्रविष्टि करेंगे। इसके बाद तीसरी बात आपको मैं एक और बता देता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए जैसे सारणी एफ में बकाया मांग पर ब्याज प्राप्ति का अधिकार कंपनी को होता है, उसी प्रकार कंपनी का एक दायित्व भी होता है कि अगर किसी ने एडवांस में पैसा दिया है, अग्रिम मांग दी है, तो उस अग्रिम मांग राशि पर, अग्रिम मांग राशि पर भी कंपनी क्या करेगी, ब्याज देगी। तो कंपनी अधिनियम कौन सा है सर, 2013 है, कंपनी अधिनियम 2013 की सारणी एफ के अनुसार, कौन सी सारणी के अनुसार, सारणी एफ के अनुसार अग्रिम मांग पर ₹12 वार्षिक दर से, बकाया पर कितना था 10% वार्षिक दर से था, और अग्रिम पर कितना है 12% वार्षिक दर से कंपनी ब्याज का भुगतान करेगी, ब्याज का भुगतान करेगी, कंपनी ब्याज का भुगतान करेगी भी किसके लिए, सारणी एफ के अनुसार अग्रिम मांग पर 12% की दर से ब्याज का भुगतान करेगी कंपनी। चलिए ठीक है, देखते हैं प्रविष्टि क्या करेंगे। जब कंपनी ब्याज का भुगतान करेगी तो ब्याज कंपनी के लिए क्या हो गया सर, ब्याज कंपनी के लिए खर्चा हो गया, और खर्चों को हम डेबिट करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, तो ब्याज खर्चा हो गया डेबिट हो गया। और इसका कंपनी करेगी भुगतान, तो भुगतान करेगी तो बैंक से भुगतान होगा, टू बैंक अकाउंट प्रविष्टि हो जाएगी। तो ब्याज का भुगतान करने पर वार्षिक दर से करना है, तो वार्षिक दर से इसकी आपको गणना करनी पड़ेगी, तो ब्याज के भुगतान की प्रविष्टि हो जाएगी। अब अंत में आपको क्या करना पड़ेगा सर, अंत में फिर ये देखो यहाँ पे ब्याज खाता है, ब्याज कौन सा खाता है, अवास्तविक खाता है, और प्रत्येक अवास्तविक खाते को वर्ष के अंत में अपलिखित किया जाता है। तो चलिए अपलिखित करिए इसको, तो अपलिखित करने पर क्या प्रविष्टि करेंगे, देखिए मैं यहां लिख देता हूं, चलिए इतने में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां कर देता हूं, यहां पे ब्याज खाते को अपलिखित करेंगे, तो अपलिखित किससे किया जाएगा, लाभ हानि विवरण में इसको खर्चा मानते हुए अपलिखित किया जाएगा, तो ब्याज को, या किसका ब्याज, अग्रिम का ब्याज जो भुगतान कर रही है कंपनी, ब्याज को अपलिखित करने पर, आप लिख सकते हैं अपलिखित करना है, और अपलिखित होगा कंपनी के लाभ हानि विवरण में जाकर, या फिर आप यहां ये भी लिख सकते हैं लाभ हानि विवरण में स्थानांतरण करने पर, लाभ हानि विवरण में हस्तांतरित करने पर, तो क्या प्रविष्टि करेंगे अपलिखित करने पर भाई, ब्याज डेबिट है क्रेडिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, डेबिट किसे करेंगे, लाभ हानि विवरण में स्थानांतरण करें ना, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इसको आप डेबिट करेंगे, तो ब्याज को अपलिखित करने की प्रविष्टि हो जाएगी। आई थिंक आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। दो टॉपिक मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं, और ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और क्वेश्चंस में भी आपके
ये दोनों टॉपिक्स नॉर्मली आ जाते हैं, जो 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें नॉर्मली आ जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से क्लियर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएंगे। और ये जो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम कंपनी के अधीय विधान पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस टॉपिक को, इन दोनों टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।